Dear students, in this video we will discuss about types of computer memory. The computer memory can be classified into the following two types: primary memory and secondary memory. Means यहाँ पे हम जो computer के memory होता है उसको दो part में classified किया गया है, जिसमें पहला है आपका primary memory और दूसरा है secondary memory. यहाँ पे देखिए फिगर 2.1 में टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी को यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया गया है अलग अलग टाइप्स में, जो कि कंप्यूटर मेमोरी आपका दो तरह का होता है. पहला है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी में आपका ये रैम और रोम आ जाता है, जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं और रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, जिसके बारे में हम लोग नीचे में डिस्कस करेंगे. और ये आपका सेकेंडरी मेमोरी हो गया, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, ब्लूरे डिस्क, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये सारा जो आपका सेकेंडरी मेमोरी में आ जाता है, जिसमें से पहला है आपका प्राइमरी मेमोरी. द प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज द मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी. ये जो प्राइमरी मेमोरी होता है इसको हम लोग मेन मेमोरी भी कहते हैं और इंटरनल मेमोरी भी होता है. मेन मेमोरी कहने का मतलब हुआ कि ए कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट प्राइमरी मेमोरी. ये जो कंप्यूटर सिस्टम है ये प्राइमरी मेमोरी के बिना काम कर ही नहीं सकता है. It is that area of memory that holds only those data and instruction on which computer is currently working. क्या होता है कि जब हम स्टार्टिंग में कंप्यूटर सिस्टम पे वर्क करते रहते हैं तो आप जो भी वर्क करते हो उस टाइम जो भी इंफॉर्मेशन, जो डाटा रहता है वो आपका वो होल्ड करके रखता है. ये रैम, रैम के अंदर में जो है ये होल्ड करके रहता है. द डाटा ऑन अ प्राइमरी मेमोरी इज डायरेक्टली अवेलेबल टू द CPU. और ये जो प्राइमरी मेमोरी होता है इसमें CPU से ये डायरेक्टली डाटा अवेलेबल रखता है इसमें अंदर में, जिसमें कि द CPU रीड्स द इंस्ट्रक्शन स्टोर इन द प्राइमरी मेमोरी कंटिन्यूसली द एग्जीक्यूशन देम एज अ व्हेन रिक्वायर्ड. द प्राइमरी मेमोरी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. जब भी मतलब उसका रिक्वायरमेंट होता है, जब एग्जीक्यूट होता है उस टाइम में वो प्राइमरी मेमोरी जो है एग्जीक्यूट करते रहता है. इसको आगे जो है क्लासिफाइड किया गया टू टाइप्स में प्राइमरी मेमोरी को, जिसमें पहला आपका रैम है जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं और दूसरा है रोम जिसको रीड ओनली मेमोरी कहते हैं. फिर आपका रैम है जिसका की प्राइमरी मेमोरी में आता है रैम. फ्लोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रैम. यहाँ पे देखिए रैम के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताया जा रहा है, जो कि इसका फीचर्स, जो एडवांटेज जो है रैम के अंदर में. रैम इज़ अ रीड और राइट मेमोरी. मीन्स कहने का मतलब हुआ कि रैम जो होता है इसमें रीड और राइट दोनों कर सकते हैं. इंफॉर्मेशन कैन बी रिटन ऑन टू एंड रीड फ्रॉम रैम. और जो भी इंफॉर्मेशन है आप रैम के अंदर से रीड और राइट दोनों कर सकते हो. रैम होल्ड द इंस्ट्रक्शन एंड द डाटा ऑन विच यू आर करेंटली वर्किंग. फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ कंप्यूटर स्टार्ट इट्स लोड ऑपरेटिंग सिस्टम इन टू रैम, और व्हेन यू आर वर्किंग ऑन एनी प्रोग्राम यू आर एक्चुअली वर्किंग ऑन द प्रोग्राम लोडेड इन द रैम. कहने का मतलब हुआ कि जब कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट होता है, जब हम वर्क करते रहते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, उस टाइम जो इंस्ट्रक्शन होल्ड होता है, जो इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है वो रैम के अंदर में होता है. तो उस टाइम मतलब जब आप कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम जो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता रहता है वो आपका रैम के अंदर में लोड होता है. रैम इज़ अ वोलाटाइल मेमोरी, इसलिए इसको वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है. वोलाटाइल का मतलब क्या हुआ कि इट रिटेन द स्टोर स्मॉल इंफॉर्मेशन एज लॉन्ग एज द पावर इज़ ऑन. मतलब जब आप कंप्यूटर सिस्टम आपका ऑन रहेगा, जब आप स्टार्ट रहेगा सिस्टम, तो उस टाइम क्या होता है कि जो डाटा उसके अंदर में स्टोर होता है, व्हेन द पावर इज सप्लाई स्विच्ड ऑफ, जब पावर उसका सप्लाई बंद हो जाता है, मतलब कहने का मतलब अगर आप स्विच ऑफ बंद कर दोगे, शट डाउन कर दोगे, तो उसके अंदर में जो भी इंफॉर्मेशन रहता है वो लॉस्ट हो जाता है. द स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन इन द रैम इज़ अ लॉस्ट. मतलब जो भी इंफॉर्मेशन जो स्टोर होता है रैम के अंदर में वो लॉस्ट हो जाता है, इसलिए इसको वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है. वोलेटाइल का मतलब होता है टेम्प्रोरी. और टेम्प्रोरी समझते हो कि कुछ देर के लिए उस पर डाटा रहता है और उसके बाद वो लॉस्ट हो जाता है, मतलब वो रिमूव हो जाता है उससे. द अमाउंट ऑफ रैम इंस्टॉल इन ए कंप्यूटर इफेक्ट द नंबर एंड साइज ऑफ प्रोग्राम दैट अ सिस्टम कैन रन एट अ सेम टाइम. फॉर एग्जाम्पल अ कंप्यूटर हैविंग हायर रैम विल बी एबल टू लोड मल्टीपल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन क्विकली. कहने का मतलब हुआ कि ये जो रैम होता है इसका कैपेसिटी के अनुसार है, कि जैसा आप सुने होंगे कि कहता है कि मेरा रैम जो है 2 GB का रैम लगा हुआ है, 4 GB का रैम लगा हुआ है, मतलब उसका जो पावर होता है जिस तरह से वो रहेगा वैसे उसमें जो एप्लीकेशन सब होता है वो आपका जल्दी से क्विकली उसमें जो है
आप लोड करके रख सकते हो। तो रैम जिस पावर का होगा जैसा, उस तरह से वो वर्क करता रहता है। इसलिए कहते हैं रैम जो होना चाहिए वो ज़्यादा पावर का होना चाहिए, मगर एटलीस्ट 4 GB कम से कम रैम तो आप रखो ही सिस्टम में। इसके बाद नेक्स्ट है आपका रोम। फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोम। इसमें रोम के बारे में देखिए, उसका एडवांटेज के बारे में दिया जा रहा है और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो जो फीचर्स हैं। यहाँ पे देखिए टिप्स और ट्रिक्स में एक पॉइंट है लिखा हुआ कि सेवरल न्यू टाइप्स ऑफ नॉन वोलेटाइल रैम विच विल प्रिजर्व द डाटा व्हेन व्हाइल द पावर इज स्विच्ड ऑफ आर इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। कहने का मतलब हुआ कि अभी प्रोसेस के डेवलपमेंट स्टेज में है कि एक ऐसा रैम बनाया जा रहा है जिसमें कि जो नॉन वोलेटाइल हो, मतलब कहने का मतलब उसमें डाटा रहे। अगर स्विच ऑफ भी हो जाता है आपका सिस्टम, अगर पावर ऑफ भी हो जाता है, फिर भी उसके अंदर में डाटा वो रहे। इस तरह का रैम जो है वो बनाने का कोशिश किया जा रहा है, अभी वो डेवलपमेंट के स्टेज में है। अब रोम क्या होता है, जस्ट रैम के जैसे ही रोम होता है, लेकिन रैम में रोम का देखिए कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि रोम इज़ अ रीड ओनली मेमोरी। इसमें सिर्फ रीड किया जाता है, जैसे कि रोम में रीड और राइट दोनों किया जाता था, लेकिन रोम जो होता है इसमें सिर्फ रीड किया जाता है। ऑन रोम डाटा इज प्री रिकॉर्डेड विच कैन बी रीड, और जो भी आप रीड किए हुए हैं उसको प्री रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। कि रोम इज़ अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी, कहने का मतलब हो कि रोम नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल मतलब क्या हुआ कि इट रिटेन द कंटेंट्स इवन व्हेन द पावर इज स्विच्ड ऑफ। अगर पावर स्विच्ड ऑफ भी हो गया, फिर भी जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा वो उसमें जो भी कंटेंट्स रहता है वो आपका लॉस्ट नहीं होगा रोम के अंदर में। रोम नॉन वोलेटाइल होता है, इसलिए मतलब कहने का मतलब कि ये परमानेंट हो गया, परमानेंट मेमोरी कह सकते हैं इसको। इन मोस्ट कंप्यूटर रोम इज़ यूज फॉर स्टोरिंग स्पेशल सॉफ्टवेयर कॉल्ड बायोस। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोग आगे क्लास में पढ़ोगे बायोस के बारे में, जो कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। ये एक स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है जो कि रोम के अंदर में सॉफ्टवेयर सबको स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसको इनपुट आउटपुट सिस्टम कहते हैं। कि दिस सॉफ्टवेयर हेल्प्स टू लॉड द ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच ऑन। जब सिस्टम स्विच ऑन होता है उस टाइम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर में लॉड होता है, तो उस टाइम ये सॉफ्टवेयर मदद करता है। तो ये रोम था। तो इस यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन रैम एंड रोम। तो आप इस तरह से रैम रोम के बारे में अलग अलग डिफरेंस लिख सकते हो। यहाँ पे देखिए प्रैक्टिस जोन में आपको कुछ क्वेश्चन दिया गया कि पुट द फॉलोइंग फीचर्स अंडर द करेक्ट कॉलम रैम और रोम, जिसको आप लोग खुद से कर सकते हो, बहुत मतलब ईजी है। इसमें से कह रहा है कि कौन सा रैम का फीचर है, कौन सा रोम का फीचर है। जैसे वोलेटाइल इन नेचर, तो रैम होगा या रोम होगा, तो आप बता सकते हो कि रैम होना चाहिए, क्योंकि वोलेटाइल इन नेचर जो है रैम होता है, और नॉन वोलेटाइल इन नेचर जो है वो रोम होता है। उसके बाद रीड ओनली मेमोरी, तो आप कह सकते हो रोम को कहते हैं। कंटेंट्स बायोस फॉर लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो लोड होने में मदद करता है बायोस के लिए, जो आपका रोम में हो जाता है। तो ये आप खुद से कर सकते हो, इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे आगे।